सभी मिलकर बोलिए अंबे मात की जय। दोस्तों कई दिनों से मैं चिंतित था कि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं बढ़ रहा, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा। ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी जल्दी चाहिए होता है। तो व्हाट शुड वी डू, क्या हमें पेशेंस रखना चाहिए? क्या हर किसी को जो है सक्सेस इतनी ही जल्दी मिल जाती है जितनी जल्दी हम देखते हैं यूट्यूब पर लोगों को मिलते हुए? क्या हमें वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, या फिर हमें वॉच या जो आपका सब्सक्राइबर्स है उन्हें परचेज कर लेना चाहिए? हमारा चैनल का फ्यूचर क्या होगा? हमें किस मोटो के तहत आगे बढ़ना चाहिए? हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा एक्चुअली जो है YouTube पे आने का जो रीज़न है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, और क्या हम कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जो है आज हम ढूंढेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूँ संदीप और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव होते हैं साथ वालों का सक्सेस देखकर। जी हाँ, मान लीजिए कि दो चैनल है जो एक साथ स्टार्ट हुआ, उसमें से एक चैनल जो है वायरल हो गया और उसे बूस्ट मिल गया, और दूसरा चैनल जो है वहीं का वहीं रह गया, यानी कि अभी तक तो उसके सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए। और किसी एग्जाम्पल नहीं लूँगा, मैं खुद का ही एग्जाम्पल लेने के आपको आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि किसी और का अगर एग्जाम्पल लूँगा तो शायद उन्हें बुरा लग जाए। आज मेरे 6 महीने हो गए और सब्सक्राइबर्स मेरे काफ़ी कम है, तो क्या मुझे डिमोटिवेट हो जाना चाहिए? जी नहीं, जॉनर अलग अलग होता है हर किसी का। लोग जो है बाहर एंटरटेन होने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि म्यूज़िक और वीडियोस वाले जितने भी चैनल हैं वो ज़रूर आपको जल्दी प्रमोट होंगे, या फिर जो खाने वाला चैनल है, या फिर जो टेक्निकल चैनल है, या एजुकेशनल चैनल है, मैक्सिमम रिलेटेड टू कोचिंग सेंटर्स, इनका बूस्ट जल्दी होगा ही होगा। अब मेरा मोटिवेशनल चैनल है, मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं लेकिन फिक्स्ड हैं, और ये मोटिवेशनल चैनल धीरे धीरे ही आगे ग्रो होगा, ये मुझे मान के चलना है। बस मुझे ये समझ के रखना है कि मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी वाइड है, मेरा नॉलेज जो है वो इम्पार्ट हो रहा है, और मेरा जो भी मोटिव है वो बहुत ही क्लियर है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। और अगर ये सब चीज़ें YouTube पे मैं कर पा रहा हूँ, भले ही मेरे व्यूज़ कम आए या सब्सक्राइबर्स कम हो, मुझे हार नहीं मानना है। हो सकता है कि मैं 1 साल में ना सक्सेस करूँ, मैं 2 साल में सक्सेस करूँ, 2 साल में ना करूँ, 3 साल में करूँ। ज़रूरी नहीं कि जो चैनल जो है आपका सक्सेस जल्दी कर चुका है उसका मोटिव बहुत क्लीन हो, ये भी नहीं बोलता कि वो गलत चैनल है, लेकिन सब्सक्राइबर्स जो है वो काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, तो इसीलिए डेडिकेटेड चैनल को ही वो देखना पसंद करते हैं, और कई बार जो है ये अंधभक्ति में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको मान के चलते हुए बस आपको ये समझ के आना है कि आप YouTube पे आए किस लिए हैं। अगर आप YouTube पे जो है सिर्फ अपना ही चैनल, अपने ही वीडियोस को देख करके और व्यूज़ बढ़ाने के लिए आए हैं, फिर तो वो आप अपने वीडियो को मोबाइल में चला चला के देख सकते हो। लेकिन अगर आपका मोटिव ये है कि आपको नेम फेम भी पाना है, और साथ के साथ में आपको अपना जो भी विचार है वो सामने प्रकट करना है, तो फिर इससे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि आप सही रास्ते पे हो और लोग आपको देख रहे हैं, और आपके देखने के बाद कुछ लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं, वो आपको आपके कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। तो अगर ये सेटिस्फेक्शन है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेक्स्ट ये है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को वो दें जो उन्हें पसंद है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में 10 या 15 वीडियो अपलोड करें, आप भले ही उसमें 2 या 3 वीडियो अपलोड करें लेकिन वो क्वालिटी वाली वीडियोस हो। अपने जुड़ने वाले से सीखें, निरंतर सीखते रहें, वो कैसे आपका वीडियोस बना रहे हैं, उनका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वो नॉलेज कितना इम्पार्ट कर रहे हैं, उसका सामने वाले पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो किस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, टैग्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, SEO कैसे यूज़ कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स कैसे समझा रहे हैं, आपको निरंतर सीखते चलना है। यूट्यूब पर आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मन सो बोल देंगे, आपके नॉलेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको दूसरों को नॉलेज देने से पहले खुद को एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कुछ गलत चीज़ यहाँ पर डाल रहे हैं और आपको फॉलो करने वाले जो है उसको फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, चाहे वो मनोज डे हो या फिर कोई और भी हो, उन लोगों ने क्या किया है कि जल्दी जल्दी में बहुत कुछ ऐसा चीज़ बोल दिया है जो कि बाद में उन्हें फिर बाद में आके सॉरी बोलना पड़ा है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक तो हो टाइप की चली हुई है यूट्यूब पर, हर कोई ना एक से एक वीडियो बना रहा है जिसका कोई कभी कभी मीनिंग भी नहीं होता है। तो आपको इससे सीखते रहना है कि अच्छी वीडियोज़ कैसी होती है, लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट कितना पड़ता है, और हम ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि लोगों के ऊपर सही इम्पैक्ट पड़े, वो सही चीज़ जाने, उनके पास जितनी भी जानकारी पहुंचे वो फैक्ट्स के रूप में पहुंचे, ये ना पहुंचे कि फेक न्यूज़ उनके पास पहुंच रहा है, वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और फिर उनका जो है नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना कि आपको निरंतर सीखते रहना है और आपको जो है फैक्चुअल चीज़ें डालनी है, आपको लोगों का फ़ायदा पहुंचाना है, ना कि उनका किसी भी तरह से नुकसान पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि आप 2 वीडियोज़ कम डालें आपका नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉलो करने वाले सब्सक्राइबर्स का नुकसान हो जाता है तो आपसे बुरा यूट्यूबर कोई भी नहीं है। तो मेरी बात मानिए, जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, आप पहले फैक्ट्स कलेक्ट कीजिए, आप उसको वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट कीजिए। इस चीज़ को अगर आप सीख गए, इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो कभी भी किसी का बुरा नहीं होगा, और जो भी अच्छी दुआएं होती हैं वह ज़रूर एक दिन आपको सक्सेस की ओर लेके जाएंगी।
दिखावे पे मत जाएं, अपनी अकल लगाएं। जी हाँ, कई यूट्यूबर्स जो है थंबनेल्स काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं पर कंटेंट जीरो रहता है, कॉन्सेप्ट जीरो रहता है, कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती है। जी हाँ, ट्रिक्स पर ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्टकट्स बताएंगे, जल्दी से जल्दी वायरल होने का तरीका बताएंगे आपको। इसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ हैं और करोड़ों में सर्च है, देखने वाले इसे देखते भी हैं, जबकि उन्हें ये पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सक्सेस आपको रात के रात मिल जाए, आपको इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप चाहे कितना भी शॉर्टकट ढूंढ लें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं रहेगा, जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर इस चीज़ को एक नया यूट्यूबर समझ जाता है कि वो कंटेंट मायने रखता है, ना कि ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स या ट्रिक्स। हो सकता है कि आज की डेट में जो आपको ये ट्रिक्स बता रहे हैं, टिप्स बता रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स आज की डेट में सक्सेस हो चुके हैं, पर उन्होंने कितना संघर्ष किया है इसकी कहानी वो 4 से 5 साल के बाद ही डालते हैं छोटे से वीडियो में। जैसे कि आप सचिन टेक को ही देख लीजिए, उन्होंने आजकल में एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने लास्ट 1.5 साल जो है कैसे उन्होंने स्टार्टिंग के 1.5 ईयर्स जो है स्ट्रगल करते हुए निकाला, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो करते हुए निकाला, और जबकि उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, और लास्ट में फिर उन्हें वापस कंटेंट पे ही आना पड़ा। जब उनका कंटेंट अच्छा चला तब जाकर के उनका जो है वायरल हुआ वीडियो, और उसके बाद आज वो इतने फेमस हैं। तो आपको इस चीज़ को सीखना होगा कि कोई भी चीज़ खड़े खड़े या बैठे बैठे नहीं मिलती है, आपको उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगा। किसी भी यूट्यूबर्स के पीछे भागेंगे आप, उनसे मिन्नतें करते रहेंगे, उनका नंबर मांगते रहेंगे, उनको ये बोलते रहेंगे मुझे प्रमोट कर दीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके पास कंटेंट नहीं है, अगर आप सही चीज़ नहीं दिखा रहे हैं लोगों को, तो बस अंधभक्ति में ही, बाय द वे गलती से ही मतलब आप हिट हो पाएंगे, अदरवाइज हिट होना काफ़ी मुश्किल है। और अगर आप कंटेंट अच्छा रखते हैं तो धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स आपको जानेंगे, आपके वैल्यूज़ को पहचानेंगे, जानेंगे कि हाँ ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, हाँ ये बंदा जो है हर किसी को साथ लेके चल रहा है, हाँ ये बंदा कहीं से भी शॉर्टकट अब नहीं अपना रहा है। और इस तरह से 1000 सब्सक्राइबर्स 4000 घंटे 1 घंटे में पाएँ, या फिर 1 दिन में जो है इतना अपना वॉच टाइम बढ़ाएँ, इन सब चीज़ों के पीछे ना भाग करके अच्छे कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट के पीछे जाइए, कॉन्सेप्ट लाजवाब रखिए, आप सक्सेस ज़रूर करेंगे। यूट्यूब पे जो हो आप घर के खर्चे के लिए आश्रित ना रहें, जी हाँ, इसे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाएं, ये सोच के कभी ना आए कि ये मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। यानी कि नेम, फेम और फेस वैल्यू के लिए तो ये बिल्कुल सही है, पर ऐसा हो कि अगर महीने के मुझे 1-1.5 लाख यूट्यूब से हमेशा मिलते रह जाए, ये सोच के अगर आप आते हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच के आते हैं। हमेशा इसे आप प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो है अपने मेन जॉब को बताएं, और इसे जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बना के यहाँ पे आएं। इसमें मेहनत बहुत है, लगन बहुत है, डेडिकेशन बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए। अगर बाद में आपको इसमें पैसा आता भी है तो वो एड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कितने आपके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उसके ऊपर आपका जो भी है इनकम बनेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके इनकम ज़्यादा आएंगे। तो इस चीज़ को मान के आप चलिए कि आप इसके ऊपर अपना पूरे फैमिली को आश्रित नहीं कर सकते हैं कि भाई आज इसी की इनकम से मेरी फैमिली चलेगी, नहीं। आप जो है इसे हमेशा अल्टरनेट के रूप में लेके चलें, और अगर आप डेडिकेशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। YouTube पे जो है सक्सेस का प्रोसेस काफ़ी लंबा और काफ़ी जो है स्लो है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, थोड़े वीडियोस डालेंगे और सक्सेस हो जाएंगे, तो गलत बात है। तो कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि एक आप फ्रीक्वेंट इंटरवल बना के रखिए कि इस पीरियड में जो है आपके वीडियोज़ आएंगे। इससे क्या होता है, सब्सक्राइबर्स को पता रहता है कि इस दिन जो है इनकी वीडियोज़ आने वाले हैं, और वो ग्लूड रहते हैं, वो आपको वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। और कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि 2 महीने के लिए आपने वीडियो बीच में डालना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से ही YouTube का जो है एल्गोरिथम वो वर्क करता है। साथ ही अपने SEO को अच्छा बना के रखें। SEO जो है पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन कई वीडियोस देखने के बाद हम समझ चुके हैं कि SEO क्या होता है। किसी दिन जो है SEO के ऊपर भी मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। और एक चीज़ और अभी देखने में आ रहा है, आजकल चलन चला हुआ कि लोग एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं और रोस्ट करके अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। भाई लोग, जब यहाँ आए हो ना तो रोस्ट पोस्ट वाला गेम बंद करो यार, किसी का उद्धार कर दो। जब आए हो तो दूसरे का भला करो, और उनको जो है रोस्ट करके व्यूज़ बढ़ा के क्या फ़ायदा यार। तुम दोनों आपस में बात कर लेते हो कि हम तुम्हें रोस्ट करेंगे, तुम मुझे रोस्ट करो, और व्यूज़ बढ़ जाएंगे। इससे किसी का कुछ नहीं फायदा होने वाला है। हाँ, सब्सक्राइबर्स का अगर फायदा ही करना है तो उनके फायदे वाली चीज़ें बताओ, कैसे कैसे वो जो है क्या फॉलो करें कि बेचारे वो ग्रो कर पाए और उनको जो है अच्छी इनकम आ पाए। और नए यूट्यूबर्स को खास करके आप भ्रमित ना करो, आप इतने सारी चीज़ें बताते हो लेकिन आप पॉइंट पे नहीं आते हो। अगर आज जो है सबके सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं YT पे, तो लोग धड़ल्ले से वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। क्यों घट रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिया है, इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं है। क्या उन्होंने YouTube को अप्रोच करने की कोशिश की है? क्या उन्होंने क्रिएटर्स को कुछ ईमेल लिखा है? क्या वहाँ से कुछ जवाब आया है? बस सबको इतना पता है कि 2 मिनट की वीडियो नहीं देखी तो इसका मतलब अनसब्सक्राइबर। नहीं भाई, आप एक बार उनको मेल तो करो। आप बड़े यूट्यूबर्स हो, आपका अप्रोच ज़्यादा है। हम जो है नए यूट्यूबर्स हैं, हमारा अप्रोच कम है, फिर भी हम एफर्ट लगा रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से मेल भेजा है उनको, हालांकि वहाँ से जवाब नहीं आया, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। लेकिन आप अपना जो है मोटिव, अपना जो है गोल, अपना जो है कॉन्सेप्ट, वो तो एटलीस्ट पॉजिटिव रखो।
कि उससे सब्सक्राइबर्स को फायदा हो, ना कि वो भ्रमित हो। और ये नए यूट्यूबर्स को अगर आप नहीं गाइड करोगे तो कौन गाइड करेगा। और रह गई बात प्रमोशन की, आप प्रमोट ना करो बसरते, लेकिन हाँ आप गलत चीज़ भी मत बताओ, ताकि आपकी चीज़ों को सुन के बहुत सारे नए यूट्यूबर्स क्या है आपके पीछे वीडियोज़ बनाते हैं और लोगों को गलत कॉन्सेप्ट गलत राह पे ले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो गलत चीज़ बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई बड़ा यूट्यूबर बता रहा है तो वो सही चीज़ ही बता रहा होगा। तो भाई साहब मोटिव सही रखो, लोगों के लिए भला करो, एक तरह से एक NGO प्लेटफॉर्म तैयार करो YT के ऊपर। ये मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी भी बड़ा यूट्यूबर ने है वो एक NGO टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ चला रहा हो। हर कोई जो है अपना पॉकेट भरने के पीछे पड़ा हुआ है। तो एक NGO टाइप का YT चलाना मेरा बहुत बड़ा मोटो है, और जो लोग इस सपोर्ट में हैं वो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें ताकि हम लोगों का भला कर सकें। यानी जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बिना प्रॉफिट के लोगों का मदद करती है, ठीक उसी तरह से एक ऐसा चीज़ बनाइए यूट्यूब के ऊपर कि बिना प्रॉफिट अर्न किए हुए आप दूसरों का मदद कर पाएँ। अगर ये गोल अचीव हो गया तो समझ लीजिए कि सक्सेस हमारे पीछे आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। गौतम बुद्ध का प्रकाश सदैव आपके जीवन में यूं ही पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। उसके पहले मैं आपको दो चंद लाइन सुनाना चाहूँगा सुशांत सिंह राजपूत को डेडिकेटेड। खैरियत पूछो न मेरी कैफियत पूछो, तुम्हारे दीवाने का क्या हाल है। नमस्कार।